एपिसोड की शुरुआत में हमें जियान को है वो दिखाया जाता है। जियान के मुंह से वो ब्लड निकल रहा होता है बिकॉज उसे वो पॉइजन है वो दिया गया होता है। शिवे ही होती है वो अपने मन में है वो बोलते है कि जियान मुझे पता है कि सच में तुम उससे वो मतलब उससे वो काफी ज्यादा है वो प्यार करती हो बट वो नहीं किया जा सकता ऐसा कुछ भी। शिवे ही होती है वो जियान से वो बोलते है कि हम बिल्कुल भी है वो रिस्क नहीं ले सकते हु के ऊपर, अगर उसे कुछ हो गया तो बहुत ज्यादा बड़ा है वो कांड हो जाएगा तो इसके लिए मैं तुम्हें एक भी चांस है वो नहीं दे सकती। इसका सिंपली मतलब है कि अब तुम्हें जिंदा रहने का कोई भी हक है वो नहीं बचा है मेरे द्वारा। बट हु भी है वो अच्छा बंदा है वो दूर से ही है वो भाग के आता है और बोलता है कि मैं तुम्हें वो बिल्कुल भी है वो कुछ भी है वो नहीं होने दूंगा। बड़ी रफ्तार में भागता है, एक लंबी सी है वो जंप मार के उस मशाल को है वो लेने की वो ट्राई करता है वरना अगर वो मशाल गिरी तो सीधे वो जियान है वो स्वर्ग लोक में वो एक झटके में वो पहुंच जाएगी। वो होता है बड़ी मेहनत करने के बाद उस मशाल को जाके वो फाइनली है वो कैच कर ही लेता है बट वो यार अपना बैलेंस है वो बिगाड़ लेता है कुछ मोमेंट पे के रास्ते में कुछ चट्टाने आ जाती है। वो होता है वो चट्टानों पे वो ठोकर खा के जाता है सीधा पेड़ में टकरा जाता है। होता है वो शिवेई से वो बोलता है कि शिवेई आखिरकार है वो तुम्हें हुआ क्या है, तुम इतनी ज्यादा है वो बेरहम है वो कैसे हो सकती है वो भी अचानक से, पहले तो तुम्हें वो बहुत ज्यादा अच्छी बंदी थी और अभी तुम किसी को भी मानने में बिल्कुल भी वो हेजिटेट है वो नहीं कर रही हो, आखिरकार ऐसा तुम्हारे साथ क्या है। एक ही तरफ हुआ है वो अपने मन में है वो सोचने लगता है कि शिवेई वो मेरा कब से वो काफी ज्यादा टेस्ट है वो ले चुकी है, कहीं ये फिर से मेरा कोई ऐसा टेस्ट तो नहीं ले रही जैसे मैं अपने धैर्य पे कितना काबू रखता हूँ। बट शिवेई के एक्सप्रेशन से वो बिल्कुल भी नहीं लग रहा होता है कि वो मजाक कर रही है और उसके मुंह से भी वो ब्लड निकलने लगता है। शिवेई होती है वो उसे वो बोलते है कि मैं तुम्हें ज्यादा डिटेल में वो कुछ भी नहीं बता सकती बट इतना जान लो कि ये सब तुम्हारी भलाई के लिए ये वो किया जा रहा है। शिवेई होती है वो काफी ज्यादा है वो गुस्से में वो आ चुकी होती है, वो अपनी स्वॉर्ड को वो समन करने लगती है जो की काफी ज्यादा है वो ऑसम भी होती है। उसकी स्वॉर्ड मुझे सबसे ज्यादा है वो पसंद आई है सबसे ज्यादा। जैसे अपनी स्वॉर्ड को वो बाहर निकालती है तभी कोई उसकी स्वॉर्ड को आगे वो पकड़ लेता है अपनी दो उंगलियों से और बोलता है कि शिवेई शांत तो जाओ तुम्हें इतने ज्यादा गुस्सा करने की कोई भी जरूरत है वो नहीं है बिल्कुल भी। फिर हमें पता चलता है वो होते हैं सेक्ट लीडर जो आते ही है वो हमारी शिवेई को ज्ञान पेलना है वो शुरू करते हैं। सेक्ट लीडर होते हैं वो हमारी शिवेई से वो बोलते हैं कि देखो तुम्हें अपने गुस्से पे वो काबू रखना चाहिए, अगर तुम इतना गुस्सा होगी तो किसी के लिए भी वो सही नहीं होगा, तुम्हें अपने आप पे काबू रखना होगा। शिवेई होती है और जो हमारा हु होता है वो सेक्ट लीडर को वहाँ पे देख के वो काफी ज्यादा है वो हैरान हो जाते हैं। जो वो हु होता है वो बोलता है कि सेक्ट लीडर आप तो बड़े एकदम सही टाइमिंग पे वो यहाँ पे वो पहुंच चुके हो बड़े अच्छे बात। सेक्ट लीडर होते हैं वो बोलते हैं कि ये लड़की यानी जियान है वो मेरी इनर डिसाइपल है और तुम्हें वो इसे बिल्कुल भी है कुछ भी है वो नहीं कर सकती हो और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि वो हु के साथ है वो कुछ भी है वो गलत नहीं करेगी, ये मेरी जुबान है इसलिए तुम्हें वो शांत हो जाना चाहिए बिकॉज मैं तुमसे कह रहा हूँ कि तुम्हारा शांत होना बिकॉज अभी काफी ज्यादा है वो जरूरी है तुम्हारे लिए और सबके लिए। सेक्ट लीडर होते हैं वो शिवेई को वो समझाने लगते हैं कि कभी भी अपने इमोशन को अपने दिमाग पे वो बिल्कुल भी हावी मत होने दो, ये तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा डेंजरस है वो हो सकता है। तुम्हें पता होगा कि कल्टीवेशन में तुम्हारी बॉडी है वो सबसे ज्यादा है वो मेन होती है और तुम्हारी की पावर देखो अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारी बॉडी है वो डैमेज हो सकती है और बहुत ज्यादा। सेक्ट लीडर होते हैं वो जियान को लेके वहाँ से वो जाने लगते हैं और शिवेई से वो बोलते हैं कि शिवेई देखो मैं जियान को लेके यहाँ से वो जा रहा हूँ बट मैं तुमसे ये भी एक्सपेक्ट करता हूँ कि तुम भी वो ध्यान से अपने घर पे वो चली जाओगी, ज्यादा कुछ सोचने की बिल्कुल भी वो जरूरत नहीं है, मैं तुमसे यही कहूंगा कि तुम जा सकती हो। वो होता है वो एक चैन की सांस लेता है और बोलता है कि सेक्ट लीडर भी वो क्या सही टाइमिंग पे आया, अगर वो नहीं आते ना आज तो किसी एक की मौत होना तो एकदम पक्का था बट सही है अगर वो आ ही गए थे तो बहुत ज्यादा अच्छी बात हुई वरना हम दोनों है वो आज यहीं पे वो मर जाते एक दूसरे के साथ में। शिवेई है वो दूसरे ख्यालों में वो खो चुकी होती है, वो बोल दे कि हाँ अगर वो इसे बचाने आए तो मैं समझ चुकी हूँ अब ये क्या चल रहा है। शिवेई होती है वो हूँ से वो बोल दे कि लगता है जो सेक लीडर है वो हम दोनों पे वो नजरें बनाए हुए बैठे हैं, हम पे वो 2400 घंटे वो नजर रख रहे हैं मुझे ऐसा लग रहा है। यू होता है वो बोलता है कि शिवेई अब तुम्हें वो और ज्यादा सोचने की है वो बिल्कुल भी वो जरूरत नहीं है, ऐसा करो तुम अपने कमरे में वो चलो या फिर कहे मैं तुम्हें तुम्हारे कमरे में वो छोड़ के आता हूँ बिकॉज तुम्हें आराम की है वो सख्त जरूरत है और मैं तुम्हें प्रेफर करूंगा कि तुम आराम करो। हमें दिखाया जाता है सेक्ट लीडर का असेंबली हॉल जहाँ पे सिर्फ सेक्ट लीडर होते हैं मतलब जितने भी लीडर होते हैं सेक्ट के वो यहीं पे आके वो अपनी चैट है बातें वो सब है वो यहीं पे वो करते हैं एकदम साथ में मिलके यहाँ पे और उसी सेक्ट के मतलब हॉल के अंदर होती है हमारे सेक्ट लीडर यानी जो मेमिंग होते हैं और जो अजियान की है वो बॉडी को हील कर रहे होते हैं धीरे धीरे। सेक्ट लीडर मेमिंग होते हैं वो बोलते हैं कि मैंने शिवेई की पिछली जो क्लोज डोर कल्टीवेशन के दौरान बहुत ज्यादा अच्छे से वो फायदा उठा लिया, मैंने उसको वो पॉइजन है वो दे दिया था जिससे वो अपनी की पावर और अपनी स्पिरिचुअल पावर को वो बिल्कुल भी वो इस्तेमाल है वो नहीं कर सकती है वो भी काफी ज्यादा दिन तक, तो मुझे बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है भू के बारे में।
मेमे यानी सेक लीडर होते हैं, वो बोलने लगते हैं कि जब तक हुए वो शिवेई के प्रोटेक्शन में है तुम उसका है वो बाल भी बाका है वो नहीं कर सकती है, जब तक है वो उसकी प्रोटेक्शन से वो बाहर नहीं निकलता तब तक है वो तुम कुछ भी है वो नहीं कर पाओगी, और जैसे ही वो तुम फुली रिकवर हो जाती हो उसके बाद है वो तुम शायद उसे कुछ डैमेज है वो पहुंचा पाओ। जो जियान होती है वो मतलब सेक लीडर से वो बोलती कि देखो अब मैं बिल्कुल भी असासन है वो नहीं बची हूँ, मैंने अपनी जॉब है वो क्विट कर दी है तो मेरा कोई रीजन है वो नहीं बनता किसी को मारने का। सेक लीडर होते हैं वो उससे बोलते हैं एक मिनट अब ये मजाक मत करना कि तुम उस लड़के के लिए सच में वो प्यार में है वो पड़ चुकी है, और तुम तो यार सोचो तो तुम टॉप वन पे आती हो असासन में, तुम ये बात तो बिल्कुल भी मत भूलो कि तुम भी एक किलर ही हो। जियान होती है वो सेक लीडर मेमिंग से वो बोलती है कि अगर तुम मुझे सच सच है वो बता देती हो कि आखिरकार तुम्हें वो क्यों मरवाना चाहते हो वो मेरे द्वारा तो मैं शायद है वो एक बार है वो सोच सकते हो तुम्हारे ऑफर के बारे में, नहीं बताना वो तुम्हारी मर्जी है, उसके अलावा मैं कुछ भी है वो नहीं कर सकती तुम्हारे लिए। बाहर से वो कोई झांकते हुए बोलता है कि हाँ मैं भी बहुत ही ज्यादा क्यूरियस हूँ, मैं जानना चाहती हूँ कि ब्लैक एंड व्हाइट सेट के लीडर होते हैं वो किसी भी अननोन कल्टीवेटर को है वो क्यों मारना चाहते हैं, थिंक सो कि उनकी किसी के भी साथ भी कोई जाती दुश्मनी हो सकती है कि वो उसे मरवाना चाहे इतनी आसानी से, बट नहीं। और अचानक से दरवाजा है वो बड़ी रफ्तार में वो खोल दिया जाता है या फोड़ दिया जाता है, बाहर होती है शियो, शियो है वो अंदर आते ही है वो सेक लीडर से वो बोलते है क्या हुआ क्या तुम शिवेई को है वो पसंद करते हो, बट मुझे बिल्कुल भी वो विश्वास नहीं होता कि आप जैसा एक महान आदमी कोई भी वो किसी प्यार के चक्कर में किसी भी मासूम बंदे की है वो जान लेगा, मुझे बिल्कुल भी वो भरोसा नहीं आपकी इन झूठी बातों पे। जो सेक लीडर होते हैं वो शियु को यहाँ पे देख के वो काफी ज्यादा ये वो हैरान हो जाते हैं, वो बोलते हैं कि शियु तुम यहाँ पे वो क्या कर रही हो वैसे, सेक लीडर होते हैं वो शियु से वो बोलते हैं कि अरे वाह तुम्हारी छुपने की टेक्निक है वो तारीफ के काबिल है, मैंने तुम्हें वो बिल्कुल भी वो नोटिस नहीं किया कि आखिरकार तुम मेरे कमरे वो एंटर है वो कैसे हुई। शियु होती है वो काफी ज्यादा वो गुस्से में आ जाती है और सेक लीडर से वो बोलते है कि आखिरकार तुम टॉपिक है वो क्यों चेंज करना चाहते हो, शियु होती है वो उससे बोलते है कि जल्दी से बताओ आखिरकार हुए वो कौन है और जो शिवई है वो अपनी पूरी पावर है वो क्यों लगा रही है उसे प्रोटेक्ट करने में, आखिर वो बंदा है वो है कौन, उसकी पर्सनालिटी है फिर उसकी रियलिटी क्या है। मेमिंग यानी सेक लीडर है उसे बोलता है कि मैं तुम्हें ये बताना है वो जरूरी है, वो नहीं समझता कि आखिर हुक है को हम क्यों मानना चाहते हैं, तुम्हें वो एक बात याद रखो कि जो भी हुक है वो मानना ही होगा, ये उसकी और हम सबकी है वो भलाई के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। यू है उससे बोलने लगती है कि जल्दी बताओ आखिरकार तुम मुझे वो क्यों नहीं बता सकती, ऐसा क्या इंपॉर्टेंट है हुक के बारे में जो मुझे वो जानना है वो जरूरी नहीं है, जल्दी से मुझे बताओ ना बाढ़ में जाओ यहाँ से। सेक लीडर मेमिंग होते हैं वो बोलते हैं कि देखो अगर मैं तुम्हें वो इसके बारे में वो बताता हूँ तो इसकी वजह से जो शिवेई है उसकी भी है वो जान जा सकती है, हु के चलते शिवेई की जान जाइए मुझे बिल्कुल भी वो पसंद है वो नहीं आ रहा है। फिर से मैं थोड़े पास्ट का सीन है वो दिखाया जाता है जहाँ पे जो शिवेई ने अपना स्पेशल अटैक है वो कर दिया होता है, वो उससे अपनी तलवार से बोलती है कि अब वक्त है वो आ चुका है खत्म करने का सब कुछ, कि जो स्वॉर्ड्स भी है वो एकदम तैयार होती है सबको वो मारने के लिए चीर फाड़ करने के लिए, आज तो भैया तबाही मचा के रखेंगे वहाँ पे। तो हु होता है वो शिवेई से वो बोलने लगता है कि शिवेई शांत हो जाओ तुम्हें इतना ज्यादा भी वो भड़कने की वो कोई जरूरत नहीं, हम ये बातें करके भी सॉल्व कर सकते हैं तुम इतना ज्यादा भड़को मत, के मुंह से वो अचानक से ये वो खून निकलने लगता है। शिवेई होती है वो अपने मन में वो बोल दे कि हु की इतनी हिम्मत कैसे हुई कि उसने ये सब सारी बात है वो मुझसे बोल दी कि मैं उसका है वो कुछ भी है वो ना बिगाड़ू उसके चलते। वो नोटिस करता है कि जैसे ही उन्हें ये सब सारी बातें वो बोली होती कि आसमान में जितने शॉर्ट होती है वो डिसअपीयर हो जाती है, शिवेई होती है वो उसी जगह पे वो बैठ जाती है और शिवेई अपने मन में वो बोलने लगती है ये मुझे फिर से वो फील हो रहा है पता नहीं क्यों बट ये मुझे फिर से फील हो रहा है। शिवेई होती है वो बोलती है कि पिछली बार भी जब मैं कल्टीवेशन करने गई थी जब मैं अपनी प्रैक्टिस वो अच्छे से कर रही थी तभी मुझे खून की है वो वॉमिट हुई यानी खून की है वो उल्टिया होना है वो चारू होगी, क्या मैं सच में वो मरने वाले इस मोमेंट में मुझे बिल्कुल भी पता नहीं है। शिवेई ये वो अपनी आंखों से वो कुछ भी है वो जता नहीं पाती ऐसा लग रहा है, वो काफी ज्यादा डरी हुई होती है काफी ज्यादा गुस्से में होती है, उसके मुंह से वो लगातार है वो वॉमिट है वो हो रही होती है ब्लड की वो एकदम लगातार बारिश की तरह होता है। वो सीधे वो शिवेई के पास है वो जाता है और वो शिवेई से वो बोलता है कि शिवेई क्या हुआ क्या तुम्हारे जो हाथ में जो पॉइजन लगा हुआ था क्या तुमने उसे चाट लिया या फिर वो तुम्हारे गलती से मुंह में वो चला गया जिसकी वजह से तुम्हें पॉइजन है मतलब जो खून की उल्टियां है वो हो रही है। होती है वो हुक है वो बताने लगती है इसका है वो पॉइजन से बिल्कुल भी है वो कोई लेना देना नहीं है बट असल रीजन ये है कि जो मेरी बॉडी के अंदर स्पिरिचुअल की है वो मेरी बात है वो बिल्कुल भी है वो नहीं मानी मतलब वो मेरी कमांड के हिसाब से बिल्कुल भी काम नहीं कर रही है। शिवेई होती है वो बोलती है कि बट जो भी हो मुझे इस लड़की को है वो खत्म तो है वो करना ही होगा। वो शिवेई होती है वो बोलती है कि सीक्रेट टेक्निक रंबलिंग थंडर और उसका इस्तेमाल है वो करने ही वाली होती है। इसी के साथ एपिसोड खत्म, बाय गुड बाय सायोनारा बाय बाय।